नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के दफ्तरों व उनके संवाददाताओं के घर पर की गई छापेमारी के विरोध में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का प्रतिनिधिमंडल, निवर्तमान जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामदुला राजभर, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल सपा कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। निवर्तमान महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि देश व प्रदेश की दोनों सरकारें संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर हिटलर व मुसोलिनी के सिद्धांतों पर चलकर दमन, अत्याचार, उत्पीड़न व अमानवीय कृत्य कर रही हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहती है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद हमें संविधान के रूप में एक व्यवस्था मिली थी, जिसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र बटे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए मीडिया को स्वतंत्र रखा गया, लेकिन वर्तमान दोनों सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी स्वतंत्र नहीं रह पा रही है। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि सरकार के निर्देश पर न्यूज चैनल व समाचार पत्रों के ऑफिस व संवाददाताओं के घरों पर आयकर विभाग के रेड से लोकतंत्र खतरे में है। आज़ादी दिलाने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है, लेकिन ये तानाशाह सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही हैं, जिससे जन समस्याओं को उजागर करने वालों का दमन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार देश की संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, समाजवादी पार्टी का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाही पे उतर आई है। अभी आपने देखा होगा कि उनके एक मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कहीं ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई। एक चैनल ने इस पर डिबेट चला दिया, भारत समाचार ने, अखबारों ने लिख दिया कि देश के कई हिस्सों में और देश के सभी राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। और मीडिया के लोग भी जानते हैं, देश भी जानता है कि अगर समय पर ऑक्सीजन मिल गई होती तो बहुतों की जान बच जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस स्वस्थ बहस में विश्वास ना रखते हुए ऐसे चैनल पर छापेमारी की गई। चैनल के मालिक के ऊपर, चैनल के एडिटर के ऊपर, दैनिक भास्कर अखबार के ऊपर उन्होंने छापेमारी करके उनके ऊपर आयकर के छापे पड़े। एक तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, देश के आज़ादी के आंदोलन में मीडिया का प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन आज पूंजीपतियों के इशारे पर देश की तानाशाही हुकूमत जनता की आवाज़ को कुचलना चाहती, दबाना चाहती है। जो कोरोना के कारण देश में भुखमरी आई, बेकारी आई, बेरोजगारी आई, आज विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय सब कुछ बंद है, और उनकी अनियमितता को अगर कोई चैनल उजागर करना चाहता, अखबार उजागर करना चाहता है, कोई नेता देश की संसद में बयान देना चाहता है, विधानसभाओं में लोग पक्ष रखना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी अपनी भ्रष्ट अफसरशाही का प्रयोग करके उनको दबाना चाहती है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से नंगा नाच हुआ। लखीमपुर खीरी में बहन की साड़ी खींच ली गई, बहन साड़ी और बहन ब्लाउज और साये पे हो गई, पूरा देश देखा, मीडिया ने भी दिखाया। कोरोना के कारण जो बेकारी फैली, जो बेरोजगारी फैली, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ना जाने कितने मुकदमे लाद करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल स्वतः संज्ञान में लिया। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि लाख तानाशाही हो, लाख छापेमारी हो, लाख मुकदमे दावे जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उसके हक की भी लड़ाई लड़ेगी, और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं उन मुकदमों की भी लड़ाई लड़ करके जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी।